Marcos, Geoffrey Sekte, Validen, Owen, onlar da fazlalık Allah'ın yansı Geoffrey. Ve baki bir kandan de jitne aziz cümle tutun gaya. Ona tamam di, derecat di, bulundi di, khatte, bulundur, salavat. जितने मोमिनीन मोमिनात मरीज हैं हाजरीन जैन जिस मकाम पे हैं बिलअखस अख्तर जाफरी साहब की हमशीरा और अहलिया तोहिर हुसैन जाफरी और दीगर भी जितने मोमिनीन और मोमिनात मरीज हैं शिफा दी खाते हैं बुलंदर सलावात हजरत मोहम्मद बुलंदर सलावात الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليه توكلت وإليه أنيب وهو نعم المولى ونعم النصير وأوفى بأمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بلندر سلام الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين والصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة مظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها طاهرة التي قالت على قبر أبيها صبت علي مصائب والنهار صبت على الأيام سرنا ليدركم الله اٹھے بدال نفاق سقیفے اجرکم اللہ نے جعفری صاحب لڑی ربائی پہ پڑھ دیا میں اس ربائی دی تشریف یا کرے نا اٹھے بدال نفاق سقیفے
ते सलाम होते छागिया थैला भरी है वो दर जारा ते अते पासा जख्मी थी वन कराज मरुस विच कूफे दे अदर कुमला वन कराज मरस विच कूफे दे ते करबल दे विच ले पिया करबल तो घिन के शाम तई मीज लबदा बसदा अजरो कमल अल्लाह अजरो जी 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 अजरो कमल अल्लाह शायर ने एक बंदे ने पूरी मुसीबत को जमा किया उठे बदाल निफाक सकीफे दा ते सलाम होते छागिया थैला भरी है वो दर जहरा ते अते पासा जख्मी वन कराज मरुस विच कूफे दे ते करबल दे विच ले पिया करबल तो गिन के शाम तई पी जुलम दा वसदा अजरो कमल अल्लाह तुहाडी मोहब्बत को लेके एक जुमला भी है पिया का आखणी बाबे दे मिंबर दे सामने कली नहीं अली नाले हसनैन नाले कनात लगी आई सर ते चादर आई हक बणदा मुसलमान एहतराम करे ना चुके नबी दी थी चुके उन्ना डिठा रसूल को कई दफा इसे बतूर दे एहतराम विच उठदा यकीनन बीबी दे दिल दी ओ ख्याल होसी मैं वेसा मुसलमान मेरा एहतराम करे से लेकिन जीवे जो बतूल दरबार च गई है ये हिक बे को लेके आ दिन अज पहली वारी दरबार दे विच ए पये नोए मरान दियां दे नहीं अज तई घर तो बार आई मखदूमा कुल नबिया दी ਸਜੀ ਅਜਰੋ ਕਮਲ ਅੱਲਾਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੇਲਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਬਤੂਲ ਆਈ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੇਲਾ ਇਹਤਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੈ ਗੁਡੇ ਕਿਆ ਦਿਨ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ
के मिलने के अंदर सलावात दोहे के खरे के करीम जिक्र सैयद हज़रत के हाज़रीन बानियान बिलाख़स अज़ीज़म अख्तर हुसैन जाफरी साहब के वालिदैन और इन्हों का जवान सरफजन अज़ीज़म उमर यासिर जाफरी और बाकी भी खानदान के जितने अजीज दुनिया तो तुर गए मालिक उन्हें तमाम को बख्शिश नसीब फरमा दे और खलक करीम उन्हों दी कब्रां ते अपनी खसूसी रहमतां दा नज़ूल फरमावे और सलाना जिक्र सैयदा दे उनवान दे नाले मजलिस आज़ा खर्चा खराजा मालिक अपनी बारगाह कबूल फरमावे। जितने मरीज हैं बिलाखस जाफरी साहब जी हमशीरा और तुकीर हुसैन जाफरी साहब जी अहलिया और हाज़रीन जिस मकाम से भी मरीज है खालिक तमाम को शिफा अता फरमा। इस सफ़े अदब के हकीकी वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जद ज़हूर फरमावे और असल गुनाहगारों को इमाम के लश्कर का सिपाही बनन और उन्होंने कदमे जामे शहादत नसीब फरमावे। तमाम दुआ की कबूलियत की खातिर मिल के बुलंदर सलावात खुदाया अपनी इज्जत अज़मत अवस्था इन्हों मरीजों की शिफा की अपील की गई है बीमारे करबला के दुखों का वास्ता वाले तमाम मरीजों में अखस जिन्हों की अपील सेहत है उन्होंने शिफा अता मिलके बुलंदर सलावात। कितनी अजमत मालिक है ज़ाहिर बतूल कितना बुलंद मकाम है ज़ाहिर बतूल का निशान खालिक करीम ने कुरान मजीद कसीदा पढ़ा है सूरह कौसर इन्ना अदवीना कल कौसर फसल ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। रिवायत जड़ा बंदा इस सूरह कौसर की तिलावत कसरत न करे सी रोजे कयामत खालिक करीम उसको जामे कौसर के नाल सैराब करे सी। और दूसरी रिवायत है जड़ा बंदा कसरत के नाल इस सूरह कौसर की तिलावत करे सी हजूर अकरम फरमाते हैं कयामत तक जितने जानवर ईदे कुर्बान ते कुर्बान होंगे अल्लाह उस तो दो गुना ज्यादा इस कारिये सूरह कौसर को अजर अजीम अदा करे। चूंकि यम है सैयदा ने दिल भी चाहते कि सैयदा से ही चंद जुमले अर्ज किए वजन इन्हें क्यों ना आखा नबूवत और इमामत के तआरुफ का ना इज़हार नबूवत और इमामत को मिलावण वाली हस्ती का ना इज़हार। और इसी हदीस के साथ भी तुसा ये जुमला कई दफा सुना है कई दफा पढ़ा है जिसको मैं इस अंदाज में आखा अगर कोई बंदा पूछे भी ये घर कहता है तो कौन कौन रहा है तो तआरुफ हमेशा सरबराह के जरिए करें ये हाजी साहब का घर है जाफरी साहब का घर है खान साहब का घर है वो अपने बाल रहा होते या नहीं होते। लेकिन जिसल खाले कसीदा पढ़े ना कि मैं कुछ ना बनावा हा या मलाइकति वजह सुखा ना समावाती इन्नी मा खलक्तु समाअ मबनिया वला अर्ज़ मदहिया वला कमरा मुनीरा वला शम्स मुजिया वला फलक यदूर वला बहर यजरी व
वला फुल्क यसरी कायनात दा खालिक कसम चाहता है मेरे मलाइका बगैर सतून ते बगैर सुकून बगैर सुराखा दा शामियाना आसमान मैं रब न बनावा पानी जो ते जमीन दा फर्श न बिछावा सूरज और चांद को रोशनी अता न करा गर्ज के मैं अल्लाह कोई चीज न बनावा हा मलाइका दे कदे मालिक क्यों बनाई है कायनात केंद्र सदके और केंद्र मोहब्बत बनाई है कायनात आवाज़े कुदरत ने इल्ला फी मोहब्बत हा उला इल खमसा अल्लज़ीन हम फी तहतल किसाम अल्लाह पूरी कायनात अगर बनाई है इन पॉइंट ने पाक की मोहब्बत जड़े चादर के तले मौजूद है सुभान अल्लाह अल्लाह सब कुछ जिंदगी मिली हिना दे सदके सेहत मिली हिना दे सदके औलाद मिली हिना दे सदके घर बार मिला हिना दे सदके रब साह लिता हिना दे सदके इब्राहिम ते आग गुलजार हुई हिना दे सदके हजरत मूसा कलीमुल्ला को असहाब पे आजन कोई बारिश की दुआ मांग हजरत मूसा दस्ते दुआ बुलंद की थी फरमाते अल्लाहुम्मा बिहक्के मुहम्मदिन सैयदिर रुसुल देखो जी अगर जहरी हालत बिठा बने अंबिया की तरतीब बिठी बने इस तरतीब में आखिरी नंबर रसूल जहरी तरतीब अंबिया दे आवण दी ता आखिर तक कौन है हुजूर अकरम अगर बातें नहीं किठा बने तो रसूल अकरम फरमाते हैं अजन आदम पानी और मिट्टी दे दरमियान आई मैं मुस्तफा ता भी नबी हम और ये वजह है कि जिसले हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मालिक करीम में मुनाजात की थी खालिक अल्लाह मैं आसमान की सैर करना चाहना आवाज कुदरत ने इब्राहिम सर ऊंचा कर मैं अल्लाह पर्दे हटा छोड़ से हजरत इब्राहिम सर ऊंचा किता निजार है डिठ है एक मंजर बड़ा अजीब है एक नूर का मुजस्मा हा उस नूर दे मुजस्मे दे सर ते नूरानी ताज हा गर्दन ते नूरानी हार हा सज्जे गोशवारा भी नूर का खब्बा गोशवारा भी नूर का और नौ नूर ऐसे हैं जिन्हें इस नूर दे मुजस्मे दा तवाफ करना ले और ला तादाद नूर ऐसे हैं जिन्हें इस पूरे मुजस्मे दा तवाफ करना ले इब्राहिम खलीलुल्लाह देख के फरमाते हैं मालिक अल्लाह एक केड़ा ऐसा अजीम नूर है जिनकी चमक इतनी ज्यादा है मैं इब्राहिम होके भी नहीं देख सकता आवाज कुदरत ये है इब्राहिम अगर इन्ना को पैदा करना मकसद ना हो गया मैं अल्लाह ते को भी पैदा ना करना वाले कौन है ना आवाज कुदरत इब्राहिम नूर दा मुजस्मा मेरी कनी जहरा है उंदे सर दा ताज उंदा बाबा रसूल उंदी गर्दन दा हार उंदा शौहर अली उंदा सज्जा गोशवारा हसन खब्बा गोशवारा हुसैन और नौ नूर हुसैन दे नौ इमाम बचने मुहिबाने आले मुहम्मद नूर है
ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਦਸਤੇ ਦੁਆ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੇਕ ਬਰਮਨ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਉਹਦਾ ਇਮਾਮਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਖਲੀਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਨਬੀ ਵੀ ਬਣਾਏ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਹੁਲਿਲ ਹਾਜ਼ਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਬਣਾਏ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਤਜਾ ਕਰੇਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਮੰਗਾ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਮੈਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੋ ਵੀ ਅਲੀ ਦੇ ਸ਼ੀਏ ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਹਜ਼ਮਤ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
खुदा दी कुदरत सी आओ महशर दे मैदान दे विच आओ देखो मैं अल्लाह दे नाल निगाह में तेरी मोहब्बत ते निगाह जज़्बत कितनी ज्यादा है। इमाम फरमेंदे ने खालिक साडी दादी को हुक्म ने सी इस महशर दी निगाह करो जिन्ना जिन्ना तेरे नाल मोहब्बत कीती है मैं अल्लाह प्यादा शिफात करें दे वजो मैं रब गुनाह माफ करें दे। और मेरे आका फरमाते हैं सारी नादी उस महशर के मैदान के विचो अपने मुहिबा को इवे अलहदा करे सी जिवे मुर्ग जमीन तू अच्छे दाने अलहदा करे। और शिया बतूल मुहिबे बतूल जन्नत के दरवाजे ते वन के रुक में सी आवाज़ कुदरत सी तुसा क्यों नहीं वेंदे भले गल्ला असा देखना चाहने तेरे निगाह में बतूल दे मुहिबा दा क्या मकाम है। आवाज़े कुदरत सी आओ वत माशर दे मैदान दे विच पूरे माशर दे मैदान ने निगाह मारो जिन्ना भी सैयदा दी मोहब्बत दे सदके सवारे नाल मोहब्बत कीती और जिन्ना भी एक घुट पानी बतूर दी मोहब्बत दे सदके ताकू पिलाए मैं अल्लाह ताकू हुक्म ने ना शिफात करे दे वजो मैं रब उन्ना दे गुनाह माफ करे। इधरी अजमत दी मालिक तहरे मरहूम और खाले के करीम ने अपने हबीब को बेटी उस वेले अदा की है कि जड़े वेले अरब दे बंदू अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देना अपने वास्ते पाए से फखर समझते हैं और रोजे कयाम वो बच्चिया जिन्हों को जिंदा दफन कर दिता गया उसी अल्लाह की बारगाह मुकदमा दायर करके अक्सर बेहाइये जम मैं कोते लग मेरा अल्लाह सारे वालिदैन को पूछ दे सब किड़े जुर्म कतल किया और हजूर अकरम फरमाते हैं बेटा नेमत है बेटी रहमत है खुदा है फरमाते हैं नेमत का हिसाब है रहमत का हिसाब नहीं। और इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का बेहतरीन जुमला देख के फरमाते हैं तो एक दफा दौरान तकरीर जुमला फरमाया ने अय्यामे फातिमिया के विच सैयदा तहरा सिर्फ कायनात दिया औरतों वास्ते नमूना अमल नहीं बल्कि परमेंद्र मैं खुमैनी पिया दा हर मर्द और औरत वास्ते बतूल दी जिंदगी नमूना यहां पर अल्लाह ने इस तहरे बतूल तो पहले नबी खदीजतुल कुबरा ने बतनी तो दो बेटी अता किते हैं लेकिन हिकमत और मसले के मुताबिक अल्लाह ने दोहे बना दिए इख्तियार है बेटा देवना ते बेटी देवना ऐसे तबारक अल्लाह दी बिया दे अलमुल वहु अला कुल्ले शेन कदीर बाबरकत वल्ला जड़ा पूरी कायनात दा मालिक है और मालिक बेबस नहीं मालिक बा इख्तियार है अल्लाह दी खलक अल मौत वल हयात वो अल्लाह जड़ा मौत दा भी खालिक है जिंदगी दा भी खालिक لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا مالک نظام بنایا کیوں ہے آواز قدرت نہیں میں اللہ دیکھنا چاہنا جس بندے دے اتنے انعامات کیتے ہیں ان دے شکرانے چ کتنے اچھے اعمال سر جا سبحان اللہ گویا قران مجید رب دا فیصلہ ہے میرا مالک ہاں میری مرضی سارے پتر چ دیواں ते मेरी मर्जी धिया च देवा मेरी मर्जी आवे बेटा और बेटी मिला के देवा ये भी मैं अल्लाह की मर्जी है तू मंगदा रहे मैं ना देवा है या नहीं। अगर ये औलाद पैसे दाल मिलनी हो तो फिर आउन कदा अल्लाह वलद ना हो गया फिर आउन को गरीब है तो गया रब की मर्जी है सारे पुत्र चले मर्जी है सारे धिया चले अगर धी मिल वे तो बंदा मत्थे ते वट पा के रब की ना शुक्री च कर रहे तुम्हारे इलाके की गल मैं अपने इलाके की गल कर अज भी जमाना है अहलियत वाली रस्म है अज भी बेटी को देख के मत्थे ते वट पा के रब को नाराज करने की कोशिश करनी यानी बीवी ना लड़ाई शुरू कर देनी जिवें उहदे इख्तियार है ये तो
को पूछना जड़ी मंगदी है मेरा अल्लाह लूली लंगड़ी छड़े में आ एक तने में है जड़ी मात सड बावे इखे ने इख्तियार छे बोलो धियां देवे पुत्र देवे के ने इख्तियार छे हुजूर अकरम फरमाते हैं जिसको खालिक त्राए बेटियां अदा कर रहे और उन त्राए धियां दी तरबियत मेरी बतूल दी सीरत के मुताबिक कर रहे उदी जन्नत जामिन मैं मुस्तफा और तहरा बतूल फरमेंगी है जेडी औरत एक बेटी दी तरबियत करे पर मैंने ए न समझे मैं एक धी दी तरबियत पे करेंगी हां बल्कि बतूल पे फरमेंगे इन्हें समझे तो एक नस्ल दी तरबियत की कि औलाद दी पहली दरसगाह घर का माहौल मां दी गोद है अगर मां दी गोद दीनदार है तो नस्ल दीनदार बनती है गोया बेटी बेटा सारा निजाम अल्लाह दे हाथे च जिस खालिक ने अपने इब्राहिम को भी ज़हीफिये च औलाद दित्ती ज़करिया को भी ज़हीफिये च औलाद इब्राहिम भी मंगदर है मालिक वारिस दे ज़करिया भी मंगदर है मालिक वारिस दे 80-90 साल तक दुआ मंगदर है बिलाकर खालिक करीम ने ये ऐसा अजीम निजाम बनाए जनाबे सारा ने अपनी कनीज हाजरा दे छोड़ी इब्राहिम को उम्र हो गई है तकरीबन 90 साल या 100 साल खालिक ने उसे साथ जनाबे हाजरा दे बतन जो इस्माइल अता किते और इस्माइल तो 10 साल बाद ओ सारा जड़ी आ गई मैं औलाद के काबिल नहीं उस जो खालिक ने इसहाक अता किता दरवाजा बंद उच्ची जाते खेमा बनाया गया कमरा बनाया गया हजरत ज़करिया तबलीग करके आमे गजा के नामे मरियम बतूल के सामने रखे उम्र हो गई 80-90 साल मंगदे वदन मालिक वारिस दे चाबी तो मेरे को फल बे मौसमे कितू आ गए उस वेले जनाबे मरियम देखे उन्होंने यार तो कम ये शाह बगैर हिसाब ये उ अता के दिन जड़ा अपनी मखलूक को बगैर हिसाब दी अता कर अल्लाहुम्मा सल्ले अला पहले भी हजरत ज़करिया दुआ मंगदा मालिक वारिस दे लेकिन जो मेरे सोने जनाबे मरियम पे आते एक उस दिन ते जड़ा बगैर हिसाब दे 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 उस ते वेले दस ते दुआ बुलंद कर के दे दे मरियम ए बतूल को बे मौसमे फल देवण अल्लाह अल्लाह बंद कमरे दे अंदर बे मौसमे फल देवण अल्लाह अल्लाह मौसमे औलाद मेरी भी कोई नहीं मैं भी ज़ईफ हो चुका मालिक अगर मेरे को भी बेमौसमी औलाद दे छोड़े तेरे खजाने च फर्क तो नहीं आता और खालिक करीम ने मलाइका के जरिए खबर दी है ज़करिया अल्लाह तेको बेटा अता करना चाहते और उनका नाम भी रब खुद रख छोड़े याहिया क्या ख्याल है अल्लाह ने उस मकाम ते निजाम बनाए दूसरी बीवी का इस मकाम ते अल्लाह नहीं आका ज़करिया बई शादी करे से तता दे सा ये मालिक की मर्जी है जवानी इत देवा भावे ज़ईफ के क्या कह रहे जिधर जनाब ज़करिया की बीवी को पता लगा उसी बे अल्लाह यहया जैसा नबी बेटा बे को अता करना चाहते कुरान के विच इस जिक्र मौजूद है तड़प के लिए इलाही पाली शेखा मेरा अल्लाह मेरा शौहर ही बुड्ढा है मैं भी बुड्ढी
और रब मलाइका दे जरिए पैगाम देंदे ओ मेरा नबी ए अपनी बीबी को वन के आख ए मैं अल्लाह दी मर्जी है जवानी है चाहता कर रामा में ज़ईफी है चाहता शुक्राने नमाज़ भी पढ़ कुर्बानी भी दे इन्ना शाने अका हुआ लबतर मैं अल्लाह तुम्हारे नाल वादा करे ना तेरे दुश्मन दिया नस्लां खत्म कर छुड़े सा ते मुस्तफा दी नस्ल कयामत तक जारी रहे और इसे वास्ते ही रसूल अकरम फरमाते हैं हसनैन सुलबे अली चुहेम लेकिन पुत्र मैं मुस्तफा दे तालिबान जहां तक याद करते जंग जमल है मोहम्मद अनफिया जंग लड़के वापस वल्ले अली फरमाते हैं मोहम्मद दोबारा बन लड़ दोबारा लड़के अली पानी पिलाए फरमाते हैं मोहम्मद दोबारा बन के लड़ जिसने त्रै दफा लड़के मोहम्मद अनफिया वापस आए ना और अली बोला फरमाते हैं मोहम्मद जिस जगह मैं खड़ के तुम्हारी जंग जीती है मैं अली दा दिल प्यार दे हूं जाते खड़ के तो समय अली दी जंग दे तुम्हारी जंग निठी तुस मेरी जंग देखो ये पहली जंग जिस मकाम दे तारुफ अली बोला ले अपना तारुफ अपने बाप दे नाम नाल कराए अली बोला जंग लड़ी ते जंग लड़ के वापस वाले मोहम्मद हनफिया दे चेहरे ते शर्मिंदगी दे आसार जहर हुए कि मैं ते जंग इने नहीं लड़ी जी मैं मेरे बाबे लड़ी है अली बेटे मोहम्मद हनफिया को हां ना लाए पेशानी ते बोसा दे के फरमाए मोहम्मद क्यों परेशान कथी ने अली दा पुत्र जंग इवे लड़दे जिवे तय लड़िए अबू तालिब दा पुत्र इवे लड़दे जिवे मैं अली लड़िए मोहम्मद अनफिया खेमे दे विच एक मुनाफिक जनाबे मोहम्मद अनफिया को ए भी हर दौर है चले और जिन्हां दी अल्लाह ने कुरान ने सूरत ही बना चुका है सूरह मुनाफिकून इज़ा जाअकुम अल मुनाफिकून कालू नशहदु अन्नका लरसूलुल्लाह मिन हबीबे मुनाफिक तेरे कोल आएन मौला मुनाफिक दी निशानी क्या है आका फरमाते हैं मुनाफिक दी पहली निशानी है मुंह ते कुछ होवे कांड पिछो कुछ हो और रसूल अकरम ने त्रै दफा लफ्ज इस्तेमाल किए मलऊन 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 फरमाते हैं वो बंदा मलऊन है रोजे कयामत में दी शिफात को महरूम है जेड़ा दो रुख है जबान ते मुंह ते कुछ है कांड पिछो कुछ है ए मैं मुस्तफा दा कुछ नहीं लगदा मैं दी शिफात ही नहीं करदी खाने करीम अपने हबीब को खबर पे देते हैं मेरा हबीब ये मुनाफिक तेरे को है और एक गवाही खड़े रहते हैं तू अल्लाह का रसूल है ते मैं भी गवाही देना तू मेरा रसूल है लेकिन मेरा हबीब एक गवाही दे वाला ले झूठे जो है मुनाफिक उनकी पहली पहली आयत ये आयन मुनाफिक एक गवाही खड़े देते हैं तू अल्लाह का रसूल है मेरा हबीब मैं भी आता तू मेरा रसूल है तवज्जो करे सो ए भी आदे खड़े तू अल्लाह दा रसूल मैं अल्लाह भी आदा तू मेरा रसूल लेकिन नाल ए भी आदे इन मुलाकात दे मुने गवाही दे वाले झूठे मेरा अल्लाह ने केड़ा झूठ बोला है इन्ने तो वो गल कीती जेड़ी तय कीती ए भी आदे खड़े तू अल्लाह दा रसूल
तू भी आधे हाथ मेरा रसूल, लेकिन ये झूठ केड़ा हा आवाज़ कुदरत दी है मेरा हबीब इन्ना तेरी रिसालत दी गवाही दी ये ज़बान दे नाल मैं अल्लाह ज़बान ते नहीं दिल ते हुक्म लेना इन्ना ज़बान ना ते को रसूल सर मैं अल्लाह दिल को कबूल करे और इमा से ए मुनाफिक यानी ज़बान ते कुछ ते कंड बिचू जुमला याद आ गए एक बंदा रसूल अकरम दी नाराज़ नहीं पे थिंदे एक बंदा रसूल अकरम दी खिदमत विच आया ते या रसूल अल्लाह मैं ना मदीने दे बाहर हूं बेना बकिया चले ना हर वेले तेरी खिदमत नहीं आ सकदा चाहंदा को इहो जी दुआ में को दसाओ जड़ी मैं पढ़दा रावा ते रब नेकियां लिखेदा रावा हुजूर अकरम ने एक दुआ याद कराई जड़ी दुआ इन्हें आ कि खाली तेरे वास्ते ਮੈਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੜਦਾ ਰਾਵੇ ਰੱਬ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇਦਾ ਰਸ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਰਮੇਨ ਇਹ ਪੜਦਾ ਰਹੇ ਰੱਬ ਇਨਾਮ ਦੇਸੀ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਆਕ ਇਲਾਹੀ ਅੰਤਾ ਰੱਬੀ ਐ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੁਮਲਾ ਵਾ ਅਨਾ ਅਬਦੁਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਨ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ये याद चकर ये पढ़दा रहे रब तेरे नाम अमाल को नेकियां नाल वसनी करेदा बस अंदर रबी तू कौन मेरा रब ते मैं तेरा बंदा ए बंदा पढ़दा रह गया क्योंकि अरबिया बिना वक्त चरावण वाला कहीं मिले पढ़दा कहीं मिले ना भूलदा नतीजा है कि भूल गए रसूल केड़ी दुआ याद कराई है इसी चीज को हजम बना गए अमीर उल मोमिनीन फरमाते ला यस्तहयिन अहदुम मिनकुम फरमाते तुसे जो को ऐसा एक बंदा भी नहीं होना चाहिए जिसको अपना दीन का मसला याद करने की शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए एना के जो मैं बुजुर्ग हूं तो मैं किने बन के मसला याद करा और इस बंदे को भी दुआ तक ही भूल और आपने तौर पे सोचन लगे भी केड़ी दुआ उसी ने रसूल में को याद कराई है इन दुआ को उलट पढ़ना शुरू कर दो असल दुआ है अंत रब्बी तू मेरा रब मैं तेरा बंदा इस उलट पढ़नी शुरू की थी ते उलट के पढ़ दिए उलट ही पढ़ दिए ना और इस पढ़ना शुरू कर देता एक बंदा मदीने पे आंदे उस महफिल च आज इस महफिल च रसूल अकरम उसको दुआ याद कराई है ई दुआ सुनी जल्दी ना रसूल अकरम की खिदमत च या रसूल अल्लाह वो बंदा ता काफिर हो गए रविंद्र ओकी में ई मैं सुन के वो दुआ ई मदा पढ़ता है हुजूर अकरम उसको सदवाए बे हां दुआ सुना ई दुआ उलट सुनाई हुजूर दे चेहरे ते गुस्से दे आसार आए नाराजगी दे आसार जाहिर हुए ए बंदा खुदा मैं तो तेको ए दुआ याद नहीं करी मैं तो ही याद कराई हुन ए बंदा खौफ को कंबण लगा फौरन खालिक करीम दे तरफो जिब्राइल पैगाम खिना है ए अल्लाह दा हबीब अल्लाह भी आदे मेरे बंदे ते क्यों नाराज पे थी ने क्यों मेरे बंदे ते नाराज पे थी ने मालिक अल्लाह ए दुआ गलत खड़ा पड़ दे आवाज़े कुदरत ने मेरे हबीब मैं अल्लाह ज़बान ते हुक्म नहीं मैं जानदा ज़बान ते ता ए उलट आदा लेकिन दिल गवाही देंदा अल्लाह रब है मैं उदा बंदा हां ओ मेरे हबीब जेड़े वेले मैं अल्लाह नाराज नहीं किया तू क्यों नाराज पे थी मैं अमीरुल मोमिनीन को पूछा गया मौला फरमाओ इस्लाम और ईमान में क्या फर्क है मेरे आका फरमाते इस्लाम ज़बान की गवाही का नाम है और ईमान दिल की गवाही का नाम है तो मैं आज कह रहा हूं अमीर मुनाफिक भी हर दौर में ते राह से जनाब मोहम्मद अनफिया कलिया खड़ी है जनाब मोहम्मद अनफिया खेमे दे विच आराम करण एक मुनाफिक आ गए देख कदे आका लगदा ही वे है तुहाडे वालिद को तुहाडे नाल मोहब्बत कोई नहीं बस कद मुनाफिक जुमले ऐसे इस्तेमाल करदे ने हां को लगदा
लगता ही नहीं तुम्हारे वालिद को तुम्हारे नाल प्यार कोई नहीं थका होया मोहम्मद हनफिया उठ बैठे उस मुनाफिक की आंखें अख पा के परमेश्वर मेरे आदिल इमाम बाप की अदालत ते शक करण वाला तवज्जो नहीं की उसके आके लगता ही नहीं तुम्हारे वालिद को तुम्हारे नाल मोहब्बत कोई नहीं जनाबे मोहम्मद हनफिया के परमेश्वर मेरे आदिल इमाम बाप की अदालत शक करण वाला ये जुमला आखा क्यों है ओसा के जी देखो नाराज न थी वो त्राए दफा तो सब मौत दे मुंह च गए ने तलवार ना जंग गई इत तो री जिंदगी खड़ी है ना तो सब बच आए त्राए दफा गए हो ना इत तो री जिंदगी खड़ी है तो सब बच आए वे ओने को हसनैन तो नाल बैठे रह गए ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਸਭੀ ਅਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋ ਤਰੇ ਦਫਾ ਭੇਜੇ ਸੁਣੋ ਕੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਫੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤਵਜੋ ਕਰੋ ਸਮਝੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਦਨ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਜ਼ਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਕਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਐਸਾ ਉਜ਼ਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਕਹੀਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖ ਹੈ ਹੱਥ ਹੈ ਪੇ ਸਗੇ ਸਭ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਖਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਸਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰੇ ਤੀਰ ਆਂਦਾ ਪੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰੇ ਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰੇ ਤੀਰ ਆਂਦਾ ਪੀ ਹੋਵੇ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰੇ ਸੇ ਹੋ ਸਕੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਹੱਥ ਅੱਗਾ ਕਰੇ ਸਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਕੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਅਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੀਰ ਆਵਣ ਦੇ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਉਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਖੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਬਣ ਸਕੇ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲਫੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਂਦਰ ਮੇਰੇ ਆਦਿਲ ਇਮਾਮ ਬਾਪ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤੈ ਕਰ ਛੋੜੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਖੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਵਾਂ ਸਕੇ ਆ ਸੁਣ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹਸਨੈਨ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅੱਖੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅੱਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ कितनी अजमत मालिक है खानदान और कितनी बुलंद है ज़हरा बतो अल फातिमा तो बज़ा तो मिन्नी हुज़ूर फरमाते हैं मेरे जिगर का टुकड़ा है जै एक वसीयत नहीं थी उन्हें को वसीयत नहीं थी जै एक रुवाया जै एक तकलीफ नहीं थी वो सिर्फ मेरे को वसीयत नहीं मेरे रब को वसीयत है इतनी अजमत मालिक तहरे जिंदे इस्तकबाल च बाबा उठे हाय हाय बीबी एक दिन नहीं दो दिन नहीं पूरी जिंदगी रसूल दी गुजरी जदन भी थी सामने आवे ना तो प्यो इस्तकबाल च उठे बीबी ये को जाके बाबा क्यों मैंने इस्तकबाल च उठते हो हुजूर फरमाने ना ज़हरा मैं आपे नहीं उठता तो समझे सामने आंदे हो अल्लाह का हुक्म दे ओ मेरा हबीब बड़ी कनीज पे आंदी मसनद छोड़ सुन्नत करा तब्दील नहीं थी मैं तो सद कोई दा रोजे कयामत होसी ई है बतूल अल्लाह दी बारगाह दे विच आसी क्या बाबा ना उठ सी हाय यकीनन उठ सी इतना नबियां दा सरदार उठे बाकी नबी को भी उठ से नबी उठ सन तो उन्हों की उम्मत भी उठी सी रोंदी यह गल जेंदे इस्तकबाल पूरे माशर का मैदान खड़ा थी वे वो काफी देर बाबे दे मिंबर दे अगो चुप करके खड़ी रहे आओ दामाने हाजर फैलाओ बस चंद जुमले की मतलब शिर किन्ने
दो भाई जा रहे मस्जिद ज़ियारत पे, एक नेक हा दूसरा गुनहगार हा। मौला दी जरी तू पहुंचण तो पहले गुनहगार दुनिया तो ढुर गए। नेक बिरा दे दिले ख्याल है क्यों ना मैं को मौला दी जरी दा तवाफ चकरावां। तवाफ करा के दफन के दिस अगली दिन ख्वाब हिरा नजरस जंती लिबास पाया होया। अदमे नबी तू तो गुनहगार हमें बख्शा किवें गए या देमा तेरा शुक्रिया अदा करना है तमे को रजा दी जरी दा तवाफ करे उस जगह में को बख्शी जन दी वजह दसा उस जगह में नबी जेड़ा मंजर मैं जिथे तै ने दिठा तो मेरा जनाजा किन के रजा मौला दी जरी आले पासे कुछ मलाइका आगे उना के असर नहीं वजन दे ले। इतने दे सफेद रीश बुजुर्ग मेरे को ले उस जगह तू मुकद्दस जाते आ गई तू खाली कोई नहीं वेंदा इस सामने कुर्सी ते जड़ा बैठी ना जवान अगर ये तेरी सफारिश करे तो तू बख्शा दिस। अदे मेरा वीर मैं गया मैं कुछ सलाम कितने उस जवाब दे के अपना रुख फेर छोड़ा मैं दूसरे पास आया सलाम कितने उस जवाब दे के रुख फेर छोड़ा पतू सही मेरे को अदे किया ने उस अगे किया हो तो मेरे को जवाब ही नहीं देता गाल ही नहीं करेंदा देता ही नहीं और बजुर्ग ने कहा होण लगा वन सलाम तो फौरन बाद एक जुमला चवा कर सलाम करें सलाम तो फौरन बाद ये को जाके मेरा मौला ते को दादी दिया त्रुटियां होई या पसलियां सब आज मेरा मौला ते को दादी दिया त्रुटियां होई या पसलियां सब आज आदे मेरा वीर मैं बुजुर्ग दी गल मान के किया सलाम किते ते फौरन मैं ही है गल की मौला ता को जद्दा दे ता को दादी दी त्रुटियां होइया पसंद दा बस। आदे मेरा वीर मैं ही है गल की ओ जड़ा देदा रहा हो रोंदा होया उठा भी है ओ जड़ा देदा रहा हो मे को हां ना नी लेस आसमान के पास देख के आदा मेरा अल्लाह तू जान नहीं ओ वास्ता नहीं थे जड़ा तू भी रद्द नहीं करेगा मेरा अल्लाह हुण मैं रजा इंदी सफारिश करे ना मेरी दादी दे सदके इंदे गुनाह माफ कर कितनी अजमत दीवाने की तहरा बतूल। मैं तुसा तो पूछदा कोई मुसाफिर होवे कोई परदेसी होवे कोई अल्लाह रासी होवे किरायेदार आवे जे को जाणन वाला कोई ना होवे उनका कोई कजिया थी वे लोग मिलके आने या नहीं आने भावे अपना नहीं महल्ले वाले आसिर ना दी फला मुसाफिर है छोदा इदा वालिद मर गए कोई गुस्ल दे इंतजाम करे दे कोई कफन दे इंतजाम करे दे एकदा सुने वे कोई उदी थी को आखे वे तू रो नहीं तेरे रोवन नाल सा को तकलीफ थी दी भावे जाना वाला नहीं परदेसी है गैर है कोई भी है सारे इकट्ठे थे ना अल्लाह जाने की हो जे मुसलमान बतूल घरे च रोंदी है मुसलमान दरवाजे ते इकट्ठे थी के ये को जा दे या अली बतूल को आके रोवण दा टाइम मुकरर कर बीबीया दी या अली मैं को आखो मैं कोई ऊंची आवाज च रोनी हां मैं बानी शरीयत दी थी हां मैं जान दिया औरत दी आवाज गैर महरम दे कन्ना ते ना मिले अली फरमाते हैं बतूल आदे जड़े मेरे बतूल रोंदी है मदीने दे गलिया सुनसान हो गए ने बच्चे मामा दा दूध पीवना छोड़ दे ने और बीवी देख के जी अच्छा या अली इना को आख आई तू बाप मैं घर ना रोसा मैं तो हुजर बना दीता बतूल दुहा शहजादे को नाल लावेया अली सवेरे छोड़ा में ना इवें दुहा बच्चे को सामने से बिठावेया ਇਹੋ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਹਸਰ ਬਚੜਾ ਕਿਨ ਗਈ ਉਹ ਨਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰਦੇ ਫੇਰੀ ਤੇਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਪਦਾ ਹਾ ਅਜਰ ਹੁਕਮ ਅੱਲਾ ਵਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਾ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਕਿਨ ਗਈ ਉਹ ਨਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰਦੇ ਫੇਰੀ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਚੁੱਪਦਾ ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚਾਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਹੋ ਘਰ ਵੀ ਨਹਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੀਬੀ ਤਹਿਰਾ ਪੁੱਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਅਲੀ मैं सुने मुसलमान तो को सलाम नहीं करेंगे अली रो पे परमेश्वर बतूल मुसीबत इज्जत तक नहीं
मुसीबत इतनी बढ़ गई है, मैं अली सलाम करे ना मैं कोई जवाब है कोई नहीं देता। कोई गरीब क्यों वादी थी नहीं बलू जिंदा बाबा आलमीन की रहमत जेदी मां वली का हर रब ते सारी दौलत दीन इस्लाम ते खर्च की उसे दा आखरी वेला रसूल करीब है परमेंदर खदीजा मेरा दिल दे कुछ मंग कोई आखरी वसीयत या रसूल अल्लाह किस चीज की जरूरत नहीं परमेंदर मेरा दिल दे कोई वसीयत कर बतूल दिमाग सजे डिठे ते खबे डिठे नाल बैठी है थी रोंदी मां ने थी कुछ है हां नाल ले पेशानी से बोसा दिते रो क्या दी या रसूल अल्लाह आदि हो ना कुछ मांग हाँ खदीजा मांग कोई वसीयत कर रो क्या दी मंग दी ही को जा मैं बाद बड़ी थी ना रो में आज रो तो मतलब मंग दी ही को जा मैं बाद बड़ी थी ना रो में मैं तुझसे तो पूछा नहीं रुन्नी सा अरब दे विच रिवाज है बेटी दी शादी हो में त्रै दिन तक खाना बेटी दी मां जाके देंदी है पेके घरों में दे इसलिए बीबी दी शादी हुई है अपनी मां तक कोई ना आई आलमी दिना मत आप उठे हा देख के ये को ज्यादा मेरी बेटी दा खाना में कुदो मत मेरी थी रो क्या के आज मेरी मां हो में रसूल अकरम का आखिरी वेला धी दी झोली प्यू दा सर दरवाजे ते दस्ता कोई सैयदा पूछती है कौन आमन अल्लाह दे मैं रसूल दा आशिक चेहरे दी ज़ियारत करनी है बीबी फरमाते मेरे बाबे दी तबीयत नासाज है दोबारा दस्ता कोई त्रीजी दस्तक ते बतूल दा दिल भरी जाए अखा तो आंसू जारी थे धीरे गरम आंसू प्यू दे चेहरे ते गए आखोली रसूल रोंदा डिठे बतूल को याद आई उसी मां दी वसीयत बतूल दी मां वसीयत की है मेरी थी न रोवे सहारा अजर तो मैं जीना मेरा लाल क्यों पे रोंदे हो बीबी देख क्या दिए बाबा दरवाजे ते कोई आया हुए वो बार बार दस्तक दे दे मैं रुके नहीं हूं उन्हीं की दस्तक करो मेरा दिल भरी गए और रसूल रो के फरमाते हैं बतूल आवण वाला हो है जेड़ा कहीं को पूछता नहीं आवण वाला हो है जेड़ा कहीं को इजाजत नहीं खिंदा बतूल है तुम्हारे दरवाजे दी अजमत है जिस वेले तक तू सही इजाजत ना दे सो इजराइल ही अंदर ना आसे कोई ज्यादा देर नहीं गुजरे मुसलमान बाद लकड़ी जाके राधे नाली कुबेर कढो पश्चात जुमले की मतलब शिव किन अली कुबेर कंडो बीबिया दी अगर अली ना आया तो क्या करे से आधे में दरवाजे को भाल आधे सा बीबिया दी हया करे ओ दरवाजा है जित नबिया दा सरदार रुकदा हया करे ओ दरवाजा है जित मलाइका रुक दे हया कर मेरिया धिया पिया रोंदी है एलाने मादे रोंदे दरो मेरे पे मैं कुभाला देसा धमकी नहीं दरवाजे कुभाल किए अद्धा दरवाजा जल गई में खा गरम हो गई है दीने जो मां हुसैन के घर च खड़ी है दरवाजे दे पिछू आई है आमड़ वाले को जुल्म दा धक्का दिते एक बाजू पत्थरा दी दीवार है वे पासू जलदा है दरवाजा दरमियान च मोहम्मद दी थी यही गरम में का बीबी दे पासे जवाज लगी है पसलियां टूट गई है दरवाजे को भाल लगी हुई होवे लोग अंदर दाखिल होण होवे किवें दाखिल थी से एक आलम दीन दे जुमले हालत केड़ी है बतूल जमीन ते डठी हुई है बतूल दे उते चलदा होया दरवाजा उतू फौज पई गुजरदी है ओ बतूल तड़प के आ दिए फिजा मेरा मोहसिन मार गई फिजा में को सहारा ले
دے پئی میرے آکھا دے کے رونے ظالم دے حسن میں کو دے کے کیوں رونے دے اجڑی میں نہ رو واہ میں کو ویلا نہیں بھلدا جڑے ویلے تو ساڈے گھر آیا ہوئے میں کو ویلا نہیں بھلدا سانی ماں تیرے سامنے آئی ہے او ظالم تے غلام کلو تازیا نہ کیتا ہی ظلم دا تازیا نہ سانی ماں کو مارا وی اساں نوے پھرا ہت بد گیا دے اسے دے دا کلمہ پڑھتے ہوندی تھی اے حضرت صالح